हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। तो भाई मेरे साथ आज ये आंटी जी हैं। और भाई आंटी जी आप कहाँ से हो? मैं तो झारखंड से हूँ। ये झारखंड से हैं। और भाई फिलहाल क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। आपका नाम पूनम है। तो भाई बात कुछ इस तरह से, ये जो भाई है ये इनका लड़का है और आज से 6 महीने पहले इस भाई की लव मैरिज हुई थी। और अभी ये भाई काम करने के लिए दिल्ली है और आंटी जी झारखंड है। और जो इनकी जो इस भाई की वाइफ है मतलब अपनी सासू माँ को टॉर्चर कर रही है। तो आंटी जी मैं आप अपने मुँह से बताइए कि भाई क्या हुआ आपके साथ? वो लड़की जब से आई है पहले 2-4 दिन तो मतलब सही ढंग से रही, इसके बाद जैसे ही हमारा बेटा बाहर जाता है तो ऐसे ऐसे ड्रामे करती है, कभी टॉर्चर करती है, खाना पीना कुछ भी नहीं बनाती। हम तो कहते हैं चलो खाना काम भी मत कर सकते, मुझे पता है उसके बारे में। भाई मेरी बात सुन, काम भी बोल भाई। और मुझे ऐसा पता नहीं कैसे नशीली चीजें, नशीली चीजें देने लगी। और पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी बहू आज यहाँ पे गई, मैं तो सारा दिन सोई। अच्छा, आपको नींद की गोलियां देके कहती मम्मी दूध पी लो, दूध पी लो, दूध में पता नहीं क्या घेर के रहती है तो मुझे नींद तुरते पड़ते नींद आ जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ। इसके बाद देखती हूँ कि हम बहू तो घर में है ही नहीं। अब मैं बेटे के क्या जॉब, पड़ोसी से पूछती हूँ तो कहते वो तो शॉर्ट पहन के निकल गई। उसके पास आई नहीं, पहने के क्या? अरे भाई सुन ले मेरी बात आंटी, एक मिनट। वो मैं जानता हूँ, अभी इसको 6 महीने हुए ना तेरी शादी ने? शादी में 6 महीने हुए, उसके साथ 2 साल राउंड रिलेशनशिप। 2 साल रहा ना, कितने साल का तू? 23 का। अब इसके आते ही जो ना थोड़ा छोटा मोटा काम करती है, सोता सारा दिन यही काम करती है। मेरी बात सुन, तुम्हें आराम मानता नहीं यार, मुझे क्यों बोला? जब ये मेरा बेटा मानते ही आराम, तू वो काम नहीं करती, वो बोलती है काम नहीं करती। मैं जब भी आता देखता हूँ काम करती रहती है। तुझे प्रॉपर्टी के लिए मर रही थी आंटी, क्या नहीं पता? रुक जा यार, बोल भाई तू भी बोल, पागल बना रहे हो यार। मैं इसलिए बुला रखा हूँ क्या? 6 महीने शादी कर हुए और जो जिसने तेरे को पाला 20-22 साल तक उसको तो भूल गया, 6 महीने से आई लुगाई को तू याद कर रहा है? भाई तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ कैसी लड़की है। तो तू हो गया मतलब तूने ये दिखा दिया कि भाई 2 साल रिलेशन में रहने से मेरे साथ ये हो गया। बात तो सुनते ही नहीं है। इतना इतना उस घर पे रहता है तू? सुन ले पहले, यहाँ देख, घर पे रहता है? काम करने जाता हूँ। अच्छा फिर जो घर पे रहता है इससे पूछना क्या हो रहा है इसके साथ? ये ड्रामा करने के लिए तुमने मेरे को काम से बुलाया? हाँ इसलिए बुलाया तेरे को। काम कर ले मेरी बात सुन, यही काम क्यों सुनता नहीं? क्या नहीं सुनू, काम करूँ कि घर पे देखू? मैं क्यों नहीं देखू घर का? देखू काम का? देखू कहाँ का देखू? मैं हर जगह मैं देखू क्या? बेटा मैं प्रॉपर्टी उसके नाम से लिख दूँ? हाँ सुन ले अबे मेरी बात सुन ले आंटी जी, आप चुप रहो। प्रॉपर्टी मांग रही है वो, क्या क्या तुम्हारे पास प्रॉपर्टी में? एक घर है उसमें क्या घर है ना, अगर वो भी लेगी तो क्या करेगा तू? कहाँ जाएगा? तेरी माँ को कहाँ रखेगा? कहाँ रखूंगा मैं, रखूंगा ना, वो घर लेगी नहीं, वो करेगी क्या घर का? अरे वो प्रॉपर्टी मांग रही है, अभी तेरे सामने तेरी सच्चाई दिखाऊंगा उसकी। दिखा तेरे को मालूम नहीं है तेरी वाइफ तेरे जाने के बाद क्या क्या करती है? मुझे दिखा एक बार, सबूत दिखा। तेरे को सबूत दिखाऊंगा ना आंटी जी, आप चुप हो जाओ। अपनी माँ पे भरोसा नहीं करता 6 महीने से? मैं उसको जानता हूँ ना कैसे लड़की है वो। अरे मुझे पता है ना, पता है। ये आंटी जी, आंटी जी पता है, मेरी बात सुन आंटी जी, पता है कितने दिन से परेशान हो रही है? कितने दिन से? बहुत से, मतलब कि इनका कांटेक्ट किसी भाई ने करवाया मेरे से और इसलिए फिर मैं आज खुद झारखंड आया हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ड्रामा करने, ड्रामा करने के लिए। अरे मैं भी दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे, फद्दू नहीं हूँ मैं, तेरे को दिखाऊंगा अभी। भाई आंटी जी चुप हो जाओ, देखो मैंने ना सुन लिया, अभी वहाँ सामने कैमरा लगा रखा है, ठीक है? जो भी तेरी वाइफ की हकीकत होगी ना यहीं देखियो, यहीं दूध का दूध पानी का पानी करवाऊंगा उसका, देख लेना अपनी आंखों से, देखियो क्या होगा। भाई तब तक के लिए आप कैमरा साइड कर लो। हाँ बोल, आ गई मैं। क्या बोलूं, ऐसे ऐसे कैसे बिहेवियर कर रही है ये बता पहले। मैं, मेरा बिहेवियर चाहे जैसा हो अच्छा है और तुम लोगों के साथ तो अच्छा ही है। पहले तो ना धीरे बोल ले। क्यों है, कैसे धीरे क्यों बोलूं? अपनी माँ से ऐसे ही बोलती है तू? हाँ मैं ऐसे ही बोलती हूँ। जब अपनी माँ को मानी समझ, मुझे क्या? मेरी माँ को बीच में मत लाओ इसमें, ठीक है? क्यों ने लाओ? एक तो पता नहीं कहा तुम्हारे चक्कर में फंसा दिया। मेरे चक्कर में लव तूने किया था जब समझ में आया था? ये बता पहले इस तरीके से कैसे बोल रही है यार? क्यों बोल रही है, जिंदगी क्यों खराब कर रही है? मेरी एक बात मान लो, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे बस प्रॉपर्टी दे दो। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, ठीक है? मुझे माफ कर, मेरे बेटे से दूर रह, मेरे बेटे से दूर हो जा और मेरे घर से भी इस तरीके से ने मत किया तो, ऐसे नहीं, यहाँ पे मेरा क्या फालतू टाइम है? है? फालतू टाइम के लिए भाई ये नखरे मत दिखा मुझे, ठीक है? मुझे प्रॉपर्टी दे दो, ये नखरे मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मेरे बहू के थोड़ी ना मिलती है, नखरे ये हम मेरे सामने नहीं चलेगा। ये प्रॉपर्टी अरे इतना रोना धोना मत कर मेरे सामने, समझ नहीं आ रही क्या? प्रॉपर्टी भी मिली मेरे बच्चे, मुझे माफ करे यार। मैं
बेटा माफ कर, सॉरी तू मेरे से माफ। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मेरे नाम से है। नहीं, मैं बात कैसे दे दूं बता। मैं बात करने आई थी यहां पे, समझ नहीं आ रही है कभी नहीं घर में तो तुम लोग मुझे नौकर बना के रखते, कभी ये करो वो करो। मैं तो सारा दिन काम करती रहूं, तू निकल जाती है और आती कब है मेरे बेटे के सामने आती है, मैं उसको बताती फिर भी नहीं समझता तू। समझ नहीं आ रहा है क्या है? मत्था सनकारी है तेरा, मेरा पता नहीं क्या दिमाग खराब कर दिया है। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी मुझे आज, मुझे आज के आज अभी। चल मेरे पास जानकार है, मैं करवा लूंगी, और चल मेरे साथ में। क्या कहां जाऊं मैं कहीं नहीं जा रही है। समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या खड़े हो आंटी, क्या है खड़े हो साइड है, क्या बात, क्या प्रॉब्लम है, कौन है, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं साइड हो गए, क्या मैं बात कर रही हूं इनसे, क्या प्रॉब्लम है, मैं अपनी बात कर रही हूं, मैं अपनी बात कर रही हूं। क्या बात कर रही है? प्रॉपर्टी साइन करने के लिए कह रही है। क्यों? अरे कुछ कौन है ये, बात नीचे कर। क्यों प्रॉपर्टी, क्यों मुझे चाहिए प्रॉपर्टी, और तुम हो कौन? हमारी बातें चल रही है ना, बातें चल, ये जो है ना मुझे मार रही है यहां करके। क्यों मार रही है? साइन कर यार, अजय आजा, आ चल मेरा, मार रही है। क्यों मैं मारूं? मेरी पीछे हो गए बात, मेरी बात है, मैं क्लियर करूंगी, निकल जा यहां से। अरे बेटा तू जॉब पे गया हुआ था, और तेरे हस्बैंड को बता तू क्या कर रही है। मेरे हस्बैंड को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, चल। हिम्मत कैसी है, मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसी है? मैं प्यार से कह रहा हूं, सुन, तेरी माँ भी होगी ना ऐसी, नहीं मेरी माँ चाहे जैसी, मेरी माँ को बात मत करो, बीच में मत ला, विश्वास ही नहीं कर रहा है। अबे चुप बोले क्यों उठ रहा है, देख के बात कर, आप पता चलेगा तुझे, तुझे जो है ना सारी चीजों का अब सब हिम्मत कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की, तुझे हिम्मत कैसे हुई? देख प्यार से समझा रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन, तेरी भी माँ होगी ना, तेरी भी माँ होगी ना, मान नहीं रही बिल्कुल भी, तो हिम्मत कैसे मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाए, हाथ क्यों उठाए मेरे ऊपर, फिर हाथ लगा रही है, किस चीज की प्रॉपर्टी चाहिए तेरे को, ये किसको बोला ये है, ड्रामे क्यों कर रही है, इधर आ जा, मान नहीं रही, तुझे तो देख लूंगी मैं, किस चीज की प्रॉपर्टी चाहिए तेरे को, तुझे फंसवा दूंगी मैं, फंसवा दूंगी तुझे, समझ में आ रही है, हाथ में तो उठा मेरे ऊपर, आंगले नीचे कर, किस चीज में फंसवाएगी, कैसे कर रही है, रुको आंटी, किस चीज में फंसवाएगी, अबे झूठे केस में फंसवाऊंगी तुझे, हां फंसवा, चल फंसवा, किस किस को फंसवाएगी, मेरे देख वैसे भीड़ मत, सुन ले यार, भीड़ हाथ लगा रही है, मैं मारूंगा, भीड़ मत मेरे से, मैं प्यार से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, एक प्रॉपर्टी है यही, तू ले जाएगी तो ये कहां रहेगी, कहां रहेगी, अरे जहां रहे, अच्छा चाहे जहाँ रहे, अपने घर में रहे चाहे कहीं भी रहे, तेरी माँ भी होगी ना, अरे मेरी माँ को क्यों ला रहे बीच में, अच्छा है? उसके साथ ऐसा हो तो क्या करेगी तू बता, अरे यार इसको भेजे, ये कौन नहीं है, आजा तू फिर हाथ लगा रही है, तोड़ू हाथ को, तोड़ू, छोड़ मेरे, मान नहीं रही बिल्कुल भी, कैसे करती है ड्रामे आके, अब देखो आपके साथ हाथ पाए टूट, मैं सही में कह रही हूं मेरे पे हाथ मत उठा, क्या करेगी तू बताइए, हाथ क्यों उठा रहे मेरे ऊपर, नहीं तू बहू है, तू घर की बहू है क्या, ऐसे काम करती है बहू, नहीं बोल, और प्रॉपर्टी नाम कर दे मेरे, सुन ले यहाँ देख ले बात, मैं मांगूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, इसकी प्रॉपर्टी मांगी, और बोल, तेरी शादी के लिए ना बेटा कितनी खुश हुई थी पता है, समझ रही है, समझ रही है, आ जाओ यहाँ, मान नहीं रही बिल्कुल भी, हे हस्बैंड को बुलाऊंगा यहीं पे, पता चले ये जो तू कर रही है ना, मैं पुलिस को बुला दूंगी, फंसवा दूंगी इसको, पुलिस को बुला, अभी हो रही है किसी की, पुलिस को बुला, चल बुला, बुला तो पुलिस को ही हाथ बुला ले, रोज रोज ड्रामे से छुट्टी तो मिल जाएगी कम से कम, अबे मैं कोई नहीं आंटी जी आप बैठो, ये नहीं, अरे ड्रामा कर रही है, कुछ नहीं कर रही, मैं ना एक तो शादी करके नौकरानी बैठ रहा हूँ, मैं ना तेरे को बता रहा हूँ, तेरी माँ के साथ ऐसा हो तो क्या करेगी तू, मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन प्लीज मेरी बात तो समझो, मैं प्रॉपर्टी नाम करेगी, ये बता दे बस, अच्छा मुझे ना घर पे नौकरानी बना देते हैं ये लोग, समझ में आ रही है, अच्छा काम तो यही है ना, और क्या करेगी, अच्छा तो ना नौकर बन जाओ मैं इनकी घर की, तू नौकरी है, नौकरी लगी हुई है तू, भाई तू अगर मुझे वहाँ जाना है तो मैं कहीं भी जाऊंगी, इनकी ये जो ऐसे कर रही ना, मैं इसी इनकी वजह से ये सब कर रही हूं, गोलियां क्यों देती है इनको ये बता सबसे पहले, तो मुझे नींद की गोलियां क्यों देती है, नींद क्यों देती है, गोलियां देती, मैं सोचती रहती, मैं पड़ोसी बताते, पता नहीं लगेगा, चली जाती है अभी मेरे बेटा, क्या सोच रहे पता नहीं लगेगा, बताते नहीं है ये, मैं बताऊंगी मेरे हाथ क्यों उठा रहे हो, हाथ उठाऊंगा ना, कहाँ जाती है तू, मैं कहीं भी जाऊँ, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा,
कहीं भी जाती हूँ मैं। कहीं भी जाती है, ये शिकार रखी है तुम्हारे घर वालों ने? मेरे घर वालों का मतलब ही है, 6 महीने में शादी करके अगले की प्रॉपर्टी हड़प लिया, चल दी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है ये लड़की है। और पहले पहले जब बात की थी तो शादी जब की थी प्रॉपर्टी की बात। अरे तो मुझे पता है, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। एक यही है ना, यहाँ देख, एक यही है ना, एक आदमी का खाना नहीं बनाया जाता तेरे से। तो मैं नौकर हूँ क्या इनकी, मेहनत करूँ? अच्छा, इसको नौकर कहते हैं, नौकर कहते हैं इसको? ये देखो ऐसे, अगर मुझे पता होता ना तुम्हारा बेटा ऐसे तो कभी नहीं शादी करती। तू आई थी अपनी मर्जी से? हाँ, तो लव मैरिज से। और बोलो, मुझे लग रहा था पता नहीं अच्छे खानदान के होंगे, पता नहीं कैसे पूरे नौकर बना दिए घर पे, कभी ये कर कभी वो कर। और घर का काम कौन करेगी, इनकी उम्र है क्या घर का काम करने में? हाँ, तो पूरा नौकर बना देगी क्या मुझे? नौकर बन गई तू घर का काम? मैं नौकर बन गई हूँ, मैं नहीं करने वाली इनका घर का काम। नहीं करती घर पे, जैसे निकल जाती है हमें पता। मेरा नाम मत थम कर, निकल जा यहाँ से। बकवास कर रही है इतनी देर से, मान नहीं रही। तो हाथ क्यों उठा रहे मेरे ऊपर? समझ मेरी बात, सुन तू समझ थोड़ा सा, देख प्यार से समझा रहा हूँ। देख तेरी भी माँ होगी ऐसी, और एक आदमी के खाना बनाने से कोई नौकर नहीं होता, ठीक है? लड़की एक आदमी का नहीं, ये तू सुने नहीं, पूरा दिन का खाना बनाओ फिर ये इधर देख ले, मैं क्या हाथ तोड़ दूंगा इसको। तेरे हस्बैंड को तेरी हकीकत का पता लगेगा, क्या होगा फिर? उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बताऊंगी ना तो वो पता चलेगा। समझ में आ रही है? अच्छा, तेरी चलती है उसके पास है? हाँ, मेरी चलेगी। अभी देख रहे हो, मेरी चलेगी ना, बताऊंगा ना तेरे को, तेरे हस्बैंड को मैं बताऊंगा। मैं भी देखती हूँ क्या ढोंग। हाँ, मैं भी देखती हूँ क्या देखेगी तू। मैं भी देखती हूँ क्या क्या करेगी, ये बता। अब तो तू ऐसे इल्जाम में फंसवाऊंगी ना इसको भी और तुमको भी। अच्छा फंसवा दे, चल फंसवा फंसवा दू वैसे भीड़ यहाँ देख, सामने लगा रखा है तेरे को, मैं फंसवाऊंगा देख, वहाँ देख क्या पहन के घूम रही है तू? देख ले, तू ही कह रहा था ड्रामा कर रही है, सलवार में घूमती है, मैं तो भरोसा नहीं कर रहा तेरे से, सच्चा प्यार था। ये क्या ड्रामा कर रही है तू यहाँ पे? अब अपनी आंखों ड्रामा क्या कर रही है यहाँ पे? ड्रामा क्या कर रही है? मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो प्रॉपर्टी दू, दूसरे को प्रॉपर्टी, दूसरे को प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी चाहिए बता यार? वो तूने प्रॉपर्टी के लिए, तूने मेरे पीछे पीछे मेरे मम्मी को, मेरे मम्मी को ऐसे मार रही है तू, ड्रामा देख रहा है, देख रहा था यहाँ से, देख रहा है मम्मी के साथ। कभी खाना मम्मी से काम करवा, नींद की गोली चला रही है क्या? कभी विश्वास नहीं देना अपनी मम्मी पे, कारण मैंने अपनी मम्मी पे विश्वास नहीं किया। काम नहीं करते, तुझे काम करने में शर्म आती है कुछ? से ये पूछ कहाँ जाती है नींद की गोली, कहाँ जाती है नींद की गोली? देखे हाँ भाभी, ये कपड़े पहन के क्या पहन रही है तू? कितनी बार ये कपड़े पहन के काम कर रही है? तो बंद करवा, कैमरा बंद नहीं होगा क्यों? बस इतना बता, पूरी फैमिली को पता चलेगा, चलने दे, चलने दे, मजा आएगा मेरे को, बस ये बता तू उसको नींद की गोली। जो तू नींद की गोलियां खुआ खुआ के जो पड़ोसियों को पता है, ये मजा आ रहा है इनकी बेइज्जती करने में, है ना? मजा आ रहा है ना यार? तुम मुझे क्या तुम इनकी गोली देके कहाँ जाती है? छोटे छोटे कपड़े पहन के कहाँ जा रही है? इधर आ जा, इधर आ, तेरे को प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, क्यों चाहिए तेरे को प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का क्या कर रही है यार? कुछ भी बोले जा रहे हैं यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, विश्वास नहीं कर रहा था अपनी मम्मी पे तेरे कारण, तुझे छोड़ने के मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे पे विश्वास करता मैं नहीं करता अब, क्यों नहीं करता यार? क्या नहीं करता मैं अपनी मम्मी पे तेरे कारण विश्वास नहीं कर रहा था आजकल, अब विश्वास हो गया आज मेरे को। बस आंटी क्या प्रो मत यार, ये रो रही नौटंकी कर रही है, रो नौटंकी वो नहीं कर रही, नौटंकी तू कर रही है। आपके बेटे को पता लग गया ना यार, ऐसी बात लग गया ना यार, क्या कह रहा था तू? 2 साल से रिलेशन है मेरा, कह रहा था ना करना है बता, 2 साल से रिलेशन है, लिख दो इसके नाम से प्रॉपर्टी, चल यार ऐसे निकल यार, ऐसे क्यों समझ नहीं आ रहा? एक बार निकल यहां से, तो निकल यार, प्लीज यार, चल तुझे बेच के निकल यहां से, शांति से बात निकल यहां से। प्रॉपर्टी चाहिए ना तेरे को? मेरी मम्मी को नींद की दवाई दे रही है तू, छोटे छोटे कपड़े पहन के कहां कहां घूम रही है? अच्छा ठीक है, सारी बात करेंगे, सारी बात नहीं, कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा, तेरी मम्मी पापा को यही दिखाएंगे, मेरी मम्मी को यही दिखाऊंगा वीडियो, ऐसी लड़की है, सुन ले इधर, ऐसी लड़की है तेरी, कैमरा बंद नहीं होगा, बुलाऊंगा वीडियो, प्यार करता था मैं, माँ बाप को भी ये प्यार है तेरा, फोन करके उसको बुलाएंगे कि इसको ले जाए यहाँ से, ये वीडियो तेरी मम्मी के पास जाएगी सबसे पहले, तलाकी करवाऊंगी अब, ना तो प्रॉपर्टी रही ना, और ना जिस तरह तू मार रही है ना, मार रही है ना, मैंने खुद देखा है, भगवान देख रहा है, निकल यहाँ से, ऊपर वाला सजा निकल, समझ नहीं आ रहा, निकल यहाँ से यार, प्लीज निकल, प्लीज।
मुझसे मत बोल, निकल यहां से, ये करो सही होगा यहां से, इसको जो है ना बिल्कुल आंखों से नजर वाट कर दो, अब मैं देखना नहीं चाहती, निकल यहां से, निकल निकल, कैमरा बंद नहीं होगा, चुप, इससे पहले निकल जा, निकल जा ना थप्पड़ मारूंगा, समझे, निकल यहां से, तेरी जिंदगी बच गई, मैंने कहा था लव मैरिज मत कर, लेकिन लव मैरिज के चक्कर में क्या जिंदगी नाश कर ली अपनी, हैं, और मुझे भी कितना हो गया विश्वास, अबे मेरी मम्मी तो ऐसी है, मेरी वो तो 2 साल से रिलेशन है, मेरा तो पता लग गया, अबे सॉरी यार, तेरे को ऐसी बुलाएगा दिल्ली से, सॉरी तो सब कुछ हो जाएगा, उसे हाथ उठा के गई है, हैं, इसी जिले बोल रही थी, पड़ोसी बोल रहे थे, कितनी बार बोले वो कि वहाँ अपनी बहू को संभालो, अपनी बहू को संभालो, और तुझे बता दी तो नहीं, वो तो है ही नहीं ऐसी, वो तो है ही नहीं ऐसी, अब देखा, अब क्या करूँ, तेरी जिंदगी झंडुई है, तेरी जिंदगी झंडुई की नहीं, अब बता, अब अकेला रहेगा, उसको साथ रखेगा, क्या करेगा, ऐसी लड़की को रखेगा, है क्या करेगा, ये बता पहले, लव का मतलब समझता क्या होता है, सुन लिया मेरी बात, प्यार से करवाई थी ना शादी तेरी, और तेरे को विश्वास नहीं था, अब वही लड़की तुम्हारी प्रॉपर्टी मांग रही है, एक मकान है ना तुम्हारे पास, उसके बाद कहाँ जाओगे माँ बेटा बताओ मुझे, अगर सारी प्रॉपर्टी उसके पास चली गई तो तुम कहाँ जाओगे, और कितने हजार की नौकरी करता है तू, अपनी मम्मी को वो कर देगा, 15,000 में गुजारा हो जाता है, नहीं होता, फिर जाओ आंटी जी ले जाओ और अपना करवाओ अपना सिलसिला, उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना, समझो कोर्ट से नोटिस भेज उसके घर पे, बाकी आंटी जी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास फोन कर देना वापस, नंबर ले लिया, मैं 2 दिन यहीं रहूंगा झारखंड में ही, 2 दिन यहीं रहूंगा मैं, ठीक है, मैं नंबर दे देना भाई, आंटी के पास है, चल, हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी, तो भाई आप लोगों ने देखा भी कैसे एक बहू अपना घर खराब कर रही है, और भाई इस तरह की हरकत मत करा करो, कई कई हस्बैंडों को तो पता ही नहीं भाई उनकी वाइफ पीछे से क्या कर रही है, जो भाई बाहर को नौकरी लग रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो भाई इस तरह से अगर किसी की माँ अपने बच्चे को बताए कि भाई आप मेरी बहू ऐसी कर रही है ये कर रही है, तो भाई उसको मानो, क्योंकि माँ भी माँ होती है भाई, माँ का पता होगा आप लोगों को, और भाई 2 महीने से 6 महीने से आई हुई लड़की पे विश्वास कर लियो, जिसने 20 साल तक पाला आप लोगों को, उस पर आप लोगों को विश्वास नहीं, तो ये कहाँ का वो है भाई, तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक आती रहे, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट एक्सपोज वीडियो में, तब तक के लिए राम।